तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम। आप सब लोग का स्वागत है कोडिंग असाइलम पे। हम लोग पाइथन बेसिक्स 1 के पूरे इंटरव्यू लेक्चर में हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। और ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है इस सीरीज पाइथन बेसिक्स 1 का, क्योंकि लूप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉट ओनली इन पाइथन। सो गाइस, अगर आप लोग ने मेरे पिछले वीडियोज नहीं देखे तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पाइथन बेसिक्स 1 में जाकर के ये वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वीडियो। हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लूपिंग स्टेटमेंट्स। पाइथन में दो टाइप के लूप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर लूप एंड द सेकेंड वन इज व्हाइल लूप। ओके, दो ही लूप होते हैं पाइथन में। अदर देन जैसे सी प्लस प्लस सब में कुछ तीन लूप्स होते हैं, जो तीसरा लूप होता है डू व्हाइल लूप। ऐसे यहाँ पे पाइथन में सिर्फ दो लूप्स हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो हम लोग आज का हमारा वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है फॉर लूप पे। सो गाइज, फॉर लूप थोड़ा इजियर है एज कम्पेयर टू व्हाइल लूप। सो हम लोग शुरू करते हैं हमारा फॉर लूप का वीडियो आज। ओके, सो हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, शेल में ही रहते हैं। ओके, शेल से, शेल के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सो फॉर लूप, एक लूप क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज अ लूप एंड व्हाट इज द लूपिंग स्टेटमेंट। सो Python provides two kinds of loops, for loop and while loop, to represent counting loop and conditional loop respectively. Okay, for loop है क्या? हम ये जान लेते हैं कि for loop है क्या चीज़। The for loop of Python is designed to process the items of any sequence, such as list or string, one by one basically. Okay, मतलब कि क्या, मैंने क्या कहा अभी कि for loop जो है Python में वो इस टाइप से designed है कि वो किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट को, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो या कुछ भी हो, ओके, उनको एक एक करके प्रोसेस करता है। एक एक करके प्रोसेस करता है मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज मैं एक स्ट्रिंग यहाँ लिखता हूँ APPLE एप्पल। ओके, अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाता हूँ, इसके अंदर फॉर लूप चलाता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक एक इसमें से एक एक कैरेक्टर्स को लेगा। स्ट्रिंग के पहले, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर है, पहला एलिमेंट है यहाँ पे 0th इंडेक्स पे ए, फर्स्ट ए को लेगा, इस पे प्रोसेस करेगा जो भी प्रोसेस में इसको करने को कहूंगा। देन नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा जो कि फर्स्ट पी है, उसके बाद ये इससे, इसके बाद ये सेकंड पी में जाएगा, देन एल एंड देन एट लास्ट ई। ओके, तो इस जो भी प्रोसेस करने को कहूंगा मैं, ये धीरे धीरे एक एक पे वन बाय वन प्रोसेस करेगा। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फॉर लूप का। ओके, सपोज मैं सेम स्ट्रिंग एप्पल पे ही फॉर लूप चलाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर, वी विल राइट फॉर, और हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें पहले से कोई डेटा टाइप उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। जिस डेटा टाइप पे हम लोग उसे, उस लूप को रन कर रहे हैं, वो डेटा टाइप अपने आप वेरिएबल ले लेता है खुद यहाँ पे, अनलाइक सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हम लोग को बताना पड़ता है एक वेरिएबल को कि वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का रहेगा, उसके बाद ही हम लोग उसको यूज कर पाते हैं। लेकिन यहाँ हम कोई भी एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे और वेरिएबल जहाँ जिस लूप पे वो रन हो रहा है उस लूप के अकॉर्डिंग वो अपनी, अपना डेटा टाइप खुद सेट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फॉर आई यूज कर लेते हैं। ओके, आई हमारा एक वेरिएबल, सपोज हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा है हमने आई। ओके, वी विल राइट फॉर आई इन, और एक जहां भी हमको फॉर लूप चलाना है, सपोज मैं फर्स्ट फॉर लूप अपना स्ट्रिंग में चलाना चाहता हूँ जो कि मैंने रखा एप्पल। ओके, एप्पल, सो हम लोग यहाँ पे, ये आप लोगों को सिंटेक्स याद रखना है, फॉर आई इन एप्पल, नॉट ओनली एप्पल, एप्पल की जगह आप लोग स्ट्रिंग देना चाहते हैं, लिस्ट देना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे यहाँ। उसके बाद आप लोग को एक कोलोन लगा देना है, ये सिंटेक्स है प्रॉपर सिंटेक्स फॉर लूप का। इसके बाद जब आप लोग एंटर प्रेस करेंगे, आप लोग को इंडेंटेशन मिल गई, देखिए काफी सारा ब्लैंक स्पेस, ये वाला पोर्शन अपने आप क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये फॉर लूप खुद इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ओके, सो फॉर आई इन एप्पल व्हाट वी विल डू इज, वी विल डू प्रिंट आई, फॉर आई इन एप्पल प्रिंट आई। सो फॉर आई इन एप्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो होगी आई की वो होगी ए। ओके, आई सबसे पहले वैल्यू लेगा ए, देन इट विल टेक द वैल्यू पी, उसके बाद ये वैल्यू लेगा the next p, then it will take the value l and then it will take e. तो यहाँ पे एक एक करके i value ले रहा है। Apple word में जितने भी alphabets हैं, उन सब alphabets को एक एक बार assign किया जा रहा है
टू आई, सपोज मैं ये आप लोग के कमेंट आउट करके कुछ दिखाता हूँ कि फर्स्ट आई ले रहा है आई इक्वल्स ए, देन इट्स टेकिंग आई इक्वल्स बी, देन आई इक्वल्स सी. बेसिकली डायनामिक टाइपिंग हो रही है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल को बार बार अलग अलग वैल्यूज प्रोवाइड किए जा रहे हैं. सॉरी यहाँ पे बी नहीं पी ले रहे हैं, क्योंकि मैंने एप्पल प्रोवाइड किया यहाँ पे. उसके बाद ये लेगा दिस एल, देन इट्स टेकिंग ई, और ये स्ट्रिंग वैल्यूज ले रहे हैं सबकी. ए ऐसे नहीं ले रहा है, ए को एज अ स्ट्रिंग ले रहा है, इसको भी एज अ स्ट्रिंग, हर एक वैल्यू ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है. ओके तो इसका आउटपुट क्या होगा, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ. देखिए एप्पल, फॉर आई इन एप्पल इट्स प्रिंटिंग एप्पल, एक वर्टिकल फॉर्म में इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसने पहले आई की वैल्यू इसने ली ए, प्रिंट कर दिया ए को, फिर वापस से गया लूप में, फिर आई की वैल्यू इसने ली नेक्स्ट वाली क्योंकि ए ले चुका है ऑलरेडी, देन ए को स्किप करके इसने ली ये वाली पी, और देन फिर वो आया यहाँ पे, यहाँ लिखा था प्रिंट आई तो इसने आई को प्रिंट कर दिया, फिर गया वापस से फॉर लूप पे, नेक्स्ट पी लिया, प्रिंट किया, वापस से गया. तो जब तक खत्म नहीं होने वाला ये स्ट्रिंग तब तक ये प्रिंट करेगा, वापस जाएगा, प्रिंट करेगा वापस जाएगा, मतलब जो भी कमांड यहाँ पे दे रखा है वो काम करेगा देन वापस जाएगा. ओके तो ये एक एग्जाम्पल फॉर लूप का. तो हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फॉर लूप का सिमिलर. फॉर सपोज मैं पहले से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ यहाँ पे, सपोज मैं ए नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि स्टोर कर रहा है वैल्यू मैंगो. ओके स्टोरिंग मैंगो, तो फिर और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस फॉर आई इन ए प्रिंट आई, ए की वैल्यू मैंगो है यहाँ पे. देखिए ए को मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, इसलिए ये मैंगो वर्ड को ही वर्टिकली प्रिंट करेगा जस्ट लाइक एप्पल. देखिए इसने प्रिंट कर दिया एम ए एन जी ओ वर्टिकली मैंगो. ओके हमने स्ट्रिंग पे देख लिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिस्ट पे कैसे यूज करना है हमें इसको. दिस फॉर लूप को हम लिस्ट में कैसे यूज करते हैं, जस्ट लाइक हमने स्ट्रिंग में यूज किया यहाँ पे, हम लोग अब देखने वाले हैं कि हम लोग इसको लिस्ट में कैसे यूज करते हैं. तो सपोज मैं एक एग्जाम्पल था फॉर अगेन वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं मैं आई इन एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ. ओके लिस्ट में मैं कुछ नंबर्स डाल देता हूँ, सपोज 5, 10, 15, 20, 25. ओके दैट्स इट. मैं यहाँ एक कोलोन लगा देता हूँ, देन वी विल से कुछ भी कमांड देते, सपोज प्रिंट, हम यहाँ देते आई, पहले आई देते हाँ ठीक है, प्रेस एंटर, फिर ये लिस्ट की एक एक एलिमेंट को एक एक करके प्रिंट कर देगा, जैसे 5, 10, 15, 20, इनको एक एक करके प्रिंट कर देगा वर्टिकली. देखिए इसने कर दिया सेम चीज. ओके मैं फिर से लिखता हूँ ये चीज, इस बार मैं कुछ और काम करने को कहूंगा इसे. ओके फॉर आई इन दिस लिस्ट 5, 10, 15, 20, 25 एंड कोलोन. ओके इस बार मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट करने ना कह करके मैं कहता हूँ प्रिंट करो i+2 प्रिंट करो हर एक के लिए. तो ये क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले 5 लेगा, 5+2 7, देन इट विल प्रिंट 12, देन 17, देन 22, देन 27. देखिए इसने प्रिंट कर दिया. सपोज मुझे ये वैल्यूज वर्टिकली नहीं चाहिए, मुझे ये हॉरिजॉन्टली चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए आप सब लोग को पता है ऑलरेडी एंड कमांड का यूज करते हैं हम लोग, जो मैंने बता रखा है ऑलरेडी यूजिंग इनपुट फंक्शन वाले वीडियो में, जो हमारा पाइथन बेसिक्स 1 का 6th वीडियो है आई गेस. ओके तो आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो जाकर के, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो मैं इसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करता हूँ. ओके फॉर आई इन दिस अगेन आई एम राइटिंग द लिस्ट 20 एंड 25. ओके आई एम प्रिंटिंग हियर प्रिंट आई, और यहाँ हम लोग दे देते हैं एंड कमांड, और एंड में हम लोग दे देते हैं एक वाइट स्पेस, और राइट स्पेस के लिए कुछ भी देते हैं, एट द रेट ऑफ द का सिंबल दे देते हैं हम लोग. ओके आई विल प्रेस एंटर. देखिए इसने प्रिंट कर दिया 5 एट द रेट ऑफ 10, एट द रेट ऑफ 15, एट द रेट ऑफ 20 एंड सो ऑन. ओके तो इसने ये प्रिंट कर दिया हमारे लिए. ओके तो फॉर लूप के कुछ एग्जांपल्स देख लिए हमने एक टाइप के. हम लोग नेक्स्ट टाइप में आ जाते हैं जो है द रेंज बेस्ड फॉर लूप, द रेंज फंक्शन, जिसमें रेंज फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग. रेंज फंक्शन ये है RANGE और ये फंक्शन. ओके तो यहाँ हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन का सिंटेक्स आप लोग देख लीजिए. सबसे पहले क्या होता है ये RAN कि मैं RANGE, एक मिनट
तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं। सबसे पहले देंगे हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू कि किस रेंज में हम लोग दे रहे हैं, तो कहाँ से शुरू होना चाहिए उसे, ऑन देन एंड वैल्यू, एंड देन वी विल गिव द स्टेप। स्टेप देना मैंडेटरी नहीं है। ओके, तो ये है सिंटेक्स इसका, रेंज का। अब सिंटेक्स ही बेसिकली आप लोगों को कुछ समझ में आने वाला है नहीं, मैक्सिमम लोगों को। हम एक एग्जांपल से डील करते हैं इसके लिए। आई एम राइटिंग फॉर आई इन रेंज, एक रेंज में, ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंड इट टू 10, और स्टेप रहेगा 2। तो प्रिंट आई, मैं पहले आप लोग को इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। इसने क्या प्रिंट किया, 13579। ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर लूप जो चलता है, ये चलता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड माइनस वन। कहां से कहां तक? फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर के ये चलता है टू एंड माइनस वन। ओके, मतलब मैंने यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू क्या क्या प्रोवाइड की, 1। तो इसने शुरू किया 1 से, और एंड माइनस 1, एंड वैल्यू है 10, और 10 माइनस 1 इज 9। सो ये 1 से लेके 9 तक चलेगा विद टू स्टेप्स इन बिटवीन, मतलब दो स्टेप्स को एक बार में कवर करने वाला है। तो 1 के बाद 2 आता है, 2 को ना 2 को ना यूज करते हुए इसने डायरेक्ट 3 पे छलांग मारी, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि दो दो स्टेप करके जाने तुम्हें, मतलब बीच में एक एक चीज, एक एक एलिमेंट, एक एक नंबर स्किप करते हुए जाना है। ओके, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, दिस मैं एक और बार लिख लेता हूँ इसको। आई एम प्रिंटिंग इट अगेन, कॉपिंग इट, पेस्टिंग इट हियर। ओके, अरे मैंने दोबारा सेम चीज कर दिया। ओके, मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो देखिए ये प्रिंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू ले रखी है 1। ओके, अगर मैं यहाँ पे 1 भी प्रिंट करता, यहाँ पे 2 की जगह मैं यहाँ लिखता 1, सॉरी, देखिए इसने सेम आउटपुट जनरेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बाय डिफॉल्ट अपनी वैल्यू 1 रखता है, कि उसे 1 का मतलब है ये किसी को स्किप नहीं करेगा, एक एक स्टेप लेके ही आगे बढ़ेगा और किसी नंबर को स्किप नहीं करने वाला है। ओके, और ये शुरू होते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड माइनस वन, और स्टार्टिंग वैल्यू भी हमें हमेशा देने की जरूरत होती नहीं है। स्टार्टिंग वैल्यू ये खुद से जीरो लेकर के चलता है, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू इसकी जीरो रहती है। तो ऐसे ही मैं इसे कर सकता हूँ, दिस मैं यहाँ से स्टार्टिंग वैल्यू भी अगर हटा दूं। ओके, तो देखिए इसने फ्रॉम 0 to 9 10 नंबर्स प्रिंट कर दिए। इसे कहा गया था फ्रॉम आई इन रेंज 10। तो मैंने जैसे बताया आप लोग को, बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू इज 0 फॉर फॉर लूप, फॉर लूप के लिए जो स्टार्टिंग डिफॉल्ट है वो 0 है। ओके, और एंड एंड का कोई डिफॉल्ट नहीं है, और होगा भी कैसे, तो जन कॉमन सेंस वाली बातें हैं, एंड का कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होने वाला है। ओके, सो ये था फॉर मतलब द रेंज फंक्शन बेस्ड फॉर लूप। अब इसका यूज क्या है रेंज फंक्शन का? ओके, रेंज फंक्शन की रेंज फंक्शन का काम क्या है हमारे प्रोग्राम्स में, कि रेंज फंक्शन हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में, और वो एग्जाम्पल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को कोई भी असुविधाएं, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हो आपके माइंड में इस वीडियो को लेकर के, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को रिप्लाई डेफिनेटली मिलने वाला है। और गाइज, अगर आप लोग ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जल्द से जल्द कोडिंग असलम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को इस चैनल की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। ए लीली, ओ ए लीला, ओ इस बिजनेस की लकी।